नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले ही वहां पर सियासी हलचल शुरू हो चुकी है। हालांकि चुनाव होने में अभी लंबा वक्त है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। इस बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर जाने वाले हैं। दोनों नेता कल यानी शनिवार को अपने गृह राज्य में रहेंगे और राज्य के अनेक हिस्सों में सार्वजनिक समारोहों में भाग लेंगे। अमित शाह रविवार को आईपीएल फाइनल मैच भी देखेंगे। गुजरात में विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजकोट जिले में श्री पटेल सेवा द्वारा निर्मित एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद शनिवार सुबह प्रभावशाली पाटीदार समुदाय के सदस्यों की एक विशाल सभा को संबोधित कर सकते हैं। राज्य में पाटीदार समाज की अहम भूमिका है और चुनाव के लिहाज से बड़ा वोट बैंक भी। पाटीदार समुदाय, जिनमें से कई का उपनाम पटेल है, राज्य की आबादी का करीब 12 से 14% है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पाटीदारों के कदवा पटेल उपजाति से आते हैं। 1 मई 1960 को गुजरात के रूप में नए राज्य के गठन के बाद से राज्य में भूपेंद्र पटेल के अलावा आनंदीबेन पटेल, केशुभाई पटेल, चिमनभाई पटेल और बाबूभाई पटेल, ये 5 पटेल मुख्यमंत्री रहे हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र में पाटीदार समाज का खास दबदबा है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को एटकॉट कार्यक्रम के लिए जाने वाले हैं। वो चुनाव से पहले पाटीदार समाज को फिर से साधने में जुगत में लग गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार 6ठी बार चुनाव जीतने की कोशिश में है। इससे पहले गुजरात के मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू वाघानी ने 2 दिन पहले बुधवार को गांधीनगर में पीएम और गृह मंत्री की यात्रा के बारे में जानकारी दी थी। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार पीएम मोदी 28 मई को सुबह 10 बजे राजकोट जिले की जसदण तहसील में अटकोट गाँव में श्री पटेल सेवा समाज द्वारा निर्मित एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। अस्पताल के प्रबंध न्यासी डॉक्टर भरत बोखारा ने बताया है कि राजकोट भावनगर राजमार्ग पर स्थित 200 बिस्तर वाले केडी परवाड़िया मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण 40 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। तो गुजरात में एक बार फिर से बीजेपी गुजरात को साधने की कोशिश कर रही है। पिछले 5 बार से गुजरात में बीजेपी की सरकार रही है, यानी लगभग 25 साल, और इन्हीं 25 सालों के बाद एक बार फिर से 6ठी बार बीजेपी जो है वो सत्ता में आने की जुगत एक बार फिर से शुरू कर चुकी है। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, चर्चा की शुरुआत उन्हीं से कर लेते हैं। कपिल वाजपेयी जी नेता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, डीके झा जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं और नेता बीजेपी से हमारे साथ राजकुमार यादव जी मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं कपिल वाजपेयी जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि इस बार दोनों पार्टियां हमेशा से वर्चस्व में रही है गुजरात में, लेकिन आम आदमी पार्टी इस बार एक बार फिर से अपना जो दमखम है वो दिखाने की कोशिश कर रही है। पहली बार चुनाव लड़ेंगे, अभी हाल ही में निकाय चुनाव लड़े थे, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा आम आदमी पार्टी का। किस तरीके से तैयारियां चल रही है? आम आदमी पार्टी पहली बार वहाँ चुनाव लड़ने जा रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पार्टी पूरे देश में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ रही है, उसी क्रम में वहां पर चुनाव लड़ने जा रही है। सौभाग्य से अभी नगर निगम के चुनावों में कुछ अच्छे परिणाम मिले थे, इससे पार्टी उत्साहित है। निश्चित रूप से गुजरात के लोग प्रस्ताव चाहते हो सभी उत्साहित परिणामों से
आम आदमी पार्टी को सुसज्जित करने का गुजरात के लोगों ने कहा। गुजरात के लोग बदलाव चाहते हैं, विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, अमनो चैन चाहते हैं। केवल फोकस विज्ञापन या गरीबों के मकानों को छुपाने के लिए बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दें, इनसे हटके बड़ा काम चाहते हैं। उसके लिए वहां पर आम आदमी पार्टी को लोगों के बड़े अच्छे सहयोग के कारण से, अच्छे समर्थन के कारण से वहां पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी। डीके झा जी भी हमारे साथ मौजूद है। डीके झा जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी पिछले 5 बार से विधानसभा चुनाव गुजरात के जीत रही है, इस बार एक बार फिर से उन्होंने जुगत शुरू कर दी है, कांग्रेस क्या कर रही है इसको लेकर? देखिए, कांग्रेस उस बार स्थिर पार्टी है, लेकिन कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करेगी जिग्नेश निवानी के थ्रू। और उम्मीद है कि पिछले बार जिस तरह से एक अच्छा कंपटीशन दिया गया था कांग्रेस के तरफ से, इस बार में कांग्रेस आगे बढ़ेगा और वहां पर अपनी इस बार सत्ता कायम करेगी। ठीक है, लेकिन पटेल समुदाय सबसे ज्यादा है और पटेल समुदाय निर्णायक भूमिका में है गुजरात में। हाल ही में हार्दिक पटेल को आपने बनाया था कांग्रेस का अध्यक्ष और उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, बीजेपी में जाने की कोशिश में है। देखिए, हार्दिक पटेल का जाना एक उनका डर मात्र है कि वो केस में उलझना नहीं चाह रहे थे, जो संदर्भ देखा जा रहा है कि वो सोचे कि यदि हम रहेंगे तो हमें भी कल को जेल की हवा न खानी पड़ जाए, इसलिए वो केस से डर करके वो सरेंडर कर चुके हैं। ऐसे हैं बहुत सारे लोग हैं देश स्तर में, जरूरी नहीं है कि सब आदमी बीजेपी के संकट का सामना कर सके, समझ गए? लेकिन जब देश आजाद करा सकती है कांग्रेस, तो ये गुजरात आजाद कैसे नहीं होगा? गुजरात भी आजाद होगा मेरा जी। चलिए ठीक है, राजकुमार यादव जी नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से पिछले 5 बार से, 5 विधानसभा चुनावों से बीजेपी रही है सत्ता में गुजरात में, इस बार डीके झा जी कह रहे हैं कि जब कांग्रेस देश को आजाद करवा सकती है तो गुजरात को भी आजाद करवा देंगे। राजकुमार यादव जी, चलिए संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस को हाल ही में बड़ा झटका लगा है, जिसमें कांग्रेस से हार्दिक पटेल ने इस्तीफा दिया है और हार्दिक पटेल इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं, आपको बता दें कि हार्दिक पटेल का जाना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। फिलहाल बाकी तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, राजकुमार को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक मैं कपिल जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस इस बार ये दावा कर रही है कि हम गुजरात को आजाद करवा देंगे, आम आदमी पार्टी इस पर क्या कह रही है? कांग्रेस पहले अपने झंझावातों से तो आजाद बोले, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किस प्रकार के शब्द बड़े सही नहीं है, किससे आजाद कराएंगे? अंग्रेजों को भारत की एक लोकतांत्रिक पार्टी ये सही नहीं है। आप ये कह सकते थे कि वहां पर कुशासन था, वहां पर अव्यवस्थाएं हैं, उनसे आजाद कराना है, बेरोजगारी है उससे आजाद कराना है। ये भाजपा और कांग्रेस आपस की लड़ाई बना के, मोनोपोली बना के, एक बार मैं जीत जाऊं, एक बार तू जीत जा, बाय चांस गुजरात में ये दाल नहीं गली तो भी, हमने छत्तीसगढ़ में देखा था कैसे सीटें अजीत जोगी जी ने किस प्रकार से आपस में सीटों का बेचाबाची करी थी, वो उसके ऑडियो पिछले दिनों में खूब सामने आए, चर्चा में भी थे। अब कांग्रेस पहले अपने अंदर के झंझावातों से मुक्त हो जाए, फिर तो जाकर बाहर भाजपा से लड़ाई लड़ेगी। कांग्रेस की स्थिति बड़ी दयनीय सी है, कांग्रेस पूरे देश में इसी प्रकार से हल्ला बहुत मचाती है लेकिन काम कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उनके अंदर के झंझावात बहुत ज्यादा है, वो निर्णय लेने में बहुत देरी करते हैं और युवा साथियों को संजो पाना उनके बस की अब मुझे लगता नहीं है कि बात बची है। युवाओं की बात करना, रोजगार की बात करना, महिला सुरक्षा पे बात करना, उनके समझ में नहीं आता जने कौन सी बातों को वो करते हैं और उस पे आगे बढ़ते हैं। और जिस प्रकार से उनका चिंतन मनन लगातार चल रहा है, वो उनके लिए दयनीय अवस्था पैदा करता जा रहा है। भाजपा ने एक स्टार प्रचारकों वाली पूरी की पूरी फहरिस्त अभी से तैयार कर रखी होगी, नो डाउट। उसमें अमित शाह जी भी हैं,
उसमें धर्मेंद्र प्रधान जी भी हैं, कई राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री भी होंगे और तमाम सांसद विधायक भी होंगे राज्यों के, जो गुजरात का भ्रमण शुरू करेंगे और गुजरात में एक अलग सा हल्ला मचाना शुरू करेंगे, क्योंकि भाजपा इस काम में बड़ी माहिर है। भाजपा विज्ञापन करने में और धुआंधार प्रचार करना भाजपा को आ गया है। जमीन पे अगर काम करते तो माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को, खास करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बार बार वहां जाकर गुजरात के लोगों को समझाना नहीं पड़ता। जब हम सब ने देखा था, जब डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे तो गरीबों को छुपाने के लिए दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ उन्होंने दीवार खड़ी करवा दी थी। इस मानसिकता से काम करते हैं, अपने लोगों को छुपाना चाहते, अपने विकास को दिखाना नहीं चाहते। और जो भी काम हो रहा है लोग, जनता देख रही है और जनता इस बार बदलाव का साथ देगी। और बदलाव के तौर पर सूरत में जो नगर निगम में एक अच्छा ह्यूज वोट हमको मिला, 27 पार्षदों का एक दल हमारे साथ में जुड़ा और जीत कर उन्होंने काम करा बहुत अच्छे ढंग से। अब आने वाले दिनों में जो सूरत की सूरत बदली है, वो पूरे गुजरात की भी सूरत बदले। ठीक है, राजकुमार यादव जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी जी जी। आपकी शुरुआती कमेंट सबसे पहले मैं चाहूंगी, पिछले 25 सालों से काबिज है गुजरात में बीजेपी, लेकिन इस बार कांग्रेस ये कह रही है कि जब कांग्रेस देश को आजाद करवा सकती है तो गुजरात को भी बीजेपी से आजाद करवा लेगी। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे अवसर दिया, और जी जी आवाज आ रही है मेरी? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। जी मैं चाहूंगा कि गुजरात में हम कांग्रेस पार्टी को हटाकर सरकार में आए, और जब कांग्रेस पार्टी को हटाकर हम सरकार में आए तो कांग्रेस की जो नीतियां थी गुजरात में उनको जनता ने सिरे से नकार दिया, और जो कांग्रेस ने सरकार दी थी जनमानस के हित में उसको जब जनता ने नकारा तो फिर इनको एक भी बार मौका नहीं दिया, क्योंकि जनता इनके क्रियाकलापों से, इनके शासन से त्रस्त थी। और जब एक लोकतांत्रिक देश की जनता अपने द्वारा चुनी हुई सरकार से त्रस्त हो जाती है तो फिर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जनता जब सरकार पर टूटती है तो फिर कहीं का नहीं छोड़ती, उसे जमींदोज कर देती है। लेकिन ये लोग अहंकार में आ गए जो सरकार में थे, लेकिन हम लोगों को जब गुजरात की जनता ने वहां के शासन में बिठाया तो हम लोगों ने, जनता जो अपेक्षा करती थी उसी प्रकार का शासन दिया, उसी प्रकार का सुशासन दिया, और जनता के अपेक्षा कृत हमने योजनाएं दी, रोजगार दिए, सुरक्षा दी, शिक्षा दी और स्वास्थ्य दिया। और इस आधार पर जनता ने हमें वहां लगभग 25 साल के करीब राज करने का मौका दिया, और हम लोग सरकार में हैं और जनताओं की अपेक्षा पर खड़े उतर रहे हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनाव में फिर एक बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन एक बार फिर गुजरात में सरकार बनाने का काम करेगा। ठीक है, आम आदमी पार्टी से कपिल वाजपेयी जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब ट्रंप आए थे भारत में तब भारत में दोनों तरफ जहां पर गरीब लोग बसे थे, झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां पर दोनों तरफ दीवार खड़ी कर दी गई। उनका कहना है कि भारत के विकास को दिखाना नहीं चाहते हैं, भारत के लोगों को छुपाना चाहती है बीजेपी। एक बार अपना प्रश्न दोहराए जी। चलिए वाजपेयी जी अपनी बात एक बार फिर से दोहरा दीजिए, सुन नहीं पाए थे राजकुमार जी के लिए। गुजरात में जिस प्रकार का शासन है, पिछले दिनों हमने कुछ चीजें ऐसी देखी थी, खास करके दलित उत्पीड़न के संबंध में कुछ फोटोग्राफ्स आए थे, बांध के बेल्टों से मारते हुए लोगों को देखा था निवृस्त करके। दूसरा, जब दिखाने की बारी आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप जी की यात्रा हुई थी कोरोना काल से पहले, तो दोनों तरफ के गरीब लोगों को अपने विकास को छुपाने के लिए उन्होंने दीवारें खड़ी कर दी थी, गरीबों को दिखा नहीं पाए थे, अपने यहाँ के लोगों को छुपाकर। तो विज्ञापन में तो भाजपा माहिर है लेकिन काम नहीं कर पाई है। वहां के स्कूलों की स्थिति सही नहीं है, वहां पर आज भी अस्पतालों की स्थिति सही नहीं है,
पिछले दिनों कोरोना काल में हम सब लोगों ने ये सारी चीजें देखी। ठीक है वाजपेयी जी, जल्दी से यादव साहब जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं डीके जी के पास जाऊंगा। जी मैं पहली चीज तो ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में पहली बात तो सुरक्षा की हम लोग गारंटी दे रहे हैं, और सुरक्षा की गारंटी के मुद्दे पर ही हम लोगों को जनता ने चुना है। क्योंकि हमारे साथी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर पार्टी से अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी से जी तो मैं कहना चाहूंगा कि दलितों के मुद्दे पर इन्होंने मुझसे सवाल किया, दलितों के मुद्दे पर हम लोग कहीं पीछे नहीं हट रहे, चाहे दलित हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे सामान्य का हो, सुरक्षा से जुड़ा सवाल हर किसी पर लागू होता है। ये दलितों पर ही नहीं, पूरे देश की आवाम पर, हिंदुस्तान की पूरी जनता पर लागू होता है। और किसी के साथ अन्याय अत्याचार और किसी का शोषण होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उस ऐसे व्यक्ति को, उस ऐसे अपराधी को तुरंत ऑन स्पॉट कार्रवाई कर उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगी, और संवैधानिक प्रणाली के द्वारा उसे उसके किए गए कृत्यों की सजा कानून के द्वारा दिलवाने का काम करेगी हमारी सरकार। ये मैं आपसे वादा करता हूं, और इसको जनता भी स्वीकार कर रही है, तभी हम लगभग आधा दर्जन से अधिक राज्यों में सरकार बना रहे हैं, और हमारी सरकार आर्य वाजपेयी जी आपके पास। डीके झा जी, बीजेपी कह रही है, राजकुमार यादव कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो सुरक्षा की गारंटी देती है अपने राज्यों में। देखिए इनके राज्यों में हैं तो सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हों या पुरुष हों या इनकाउंटर हों, सबसे ज्यादा इन्हीं के राज्यों में होता है, नंबर एक। नंबर दो, ये लोग सिर्फ विज्ञापन के दल पर, जिसको कांग्रेस ने कभी विज्ञापन का सहारा नहीं लिया, इन लोगों ने विज्ञापन के दल पर जो जबरदस्ती करके इन लोगों ने अपना सरकार गुजरात से शुरुआत जरूर किया था, और एक ऊपर से ला करके चीफ मिनिस्टर के रूप में नरेंद्र मोदी को स्थापित किया गया था। लेकिन ये 2024 के बाद न देश में पता चलेगा इन लोगों को, और न किसी राज्य में ये लोग रह जाएंगे। होता है कुछ समय के लिए लोग आ जाते हैं, जनता सब बात समझ चुकी है कि सुरक्षित कितने हैं इनके राज्य में लोग, 2024 के बाद इन्हें देश से सफाया कर दिया जाएगा। जी ठीक है, चलिए वाजपेयी जी। कोरोना काल में भी सबने देखा गुजरात की क्या स्थिति थी, भयावह स्थिति थी, लोग किस प्रकार से अस्पतालों के लिए तड़प रहे थे, दवाओं के लिए तड़प रहे थे, खाद्य सामग्री के लिए तड़प रहे थे। इन्होंने आडंबर तो बहुत रचा, ऊंची ऊंची बातें बहुत करी, लेकिन जमीनी रूप से वहां पर खोखलापन मिला। अब अरविंद जी 2-3 बार गए हैं, मनीष जी गए हैं, आदरणीय संजय सिंह जी गए हैं, तो उन्होंने देखा है वहां के स्कूलों की स्थिति, वहां के गाँव की स्थिति, कैसे पानी लाया जाता है दूर दूर के क्षेत्रों से। आज भी ये सारी व्यवस्था आज तक नहीं कर पाए, ऊंची ऊंची बातें करना। अच्छा, गुजरात में आम आदमी पार्टी किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी ये बता दें। गुजरात में संगठन का विषय है, गुजरात में संगठन चुनाव लड़ेगा। अरविंद जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं, आदरणीय अरविंद जी के नेतृत्व में हम वहां पर चुनाव लड़ेंगे, वहीं के किसी साथी के साथ जो वहां पर सर्वसम्मति से चयन होगा, ये भविष्य में तय होगा, और उसको वहां पर मुख्यमंत्री का चेहरा भी प्रेजेंट करने में पार्टी आगे बढ़ाएगी। ठीक है, मुख्यमंत्री का चेहरा रिप्रेजेंट करेगी पार्टी आगे बढ़ाएगी, और चुनाव जो है वो केजरीवाल के चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये कह रहे हैं वाजपेयी जी। राजकुमार यादव जी, बीजेपी को तो खैर वहां पर कोई खास चेहरे की जरूरत है नहीं, क्योंकि बीजेपी का इतने लंबे समय से वर्चस्व है, लेकिन बावजूद इसके इस वर्चस्व को कायम रखने में क्या करेगी बीजेपी, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी है और कांग्रेस भी, कांग्रेस हमेशा से रही, आम आदमी पार्टी इस बार आ रही है, और निकाय चुनावों को हम भूल नहीं सकते, आम आदमी पार्टी ने बहुत प्रचंड बहुमत हासिल किया था वहां पर, बहुत बेहतरीन जीत हासिल की थी पहली बार चुनाव लड़ने पर। देखिए मैं बताना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी चाहे गुजरात में चुनाव लड़े, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े,
चाहे दिल्ली में चुनाव लड़े, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है और हमारा भी लोकतांत्रिक अधिकार है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ता और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाली गुजरात की सरकार बिल्कुल भी ना तो डरने वाली है और ना उनको चुनाव में चुनौती मान रही है। पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं, चुनौती तो नहीं, चुनौती तो आपने नगर निगम चुनावों में भी नहीं माना था ना यादव साहब, लेकिन देखिए क्या हुआ। देखिए ये चीज सूरत में देखिए क्या हुआ। नगर निगम चुनाव और प्रदेश के चुनाव दोनों में काफी डिफरेंस है, अलग अलग स्थानीय मुद्दे होते हैं। और जब प्रदेश के चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, तो उसमें और मुद्दे होते हैं, नगर निगम में और मुद्दे होते हैं, दोनों में काफी डिफरेंस है। और मैं बताना चाहूंगा, अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि कोरोना काल में अपने बारे में या हमारे बारे में बात कर रहे थे, मैं बता दूं कोरोना काल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, सरकार और नेताओं ने जिस तरीके से समर्पित भाव के साथ काम किया, पूरा विपक्ष ये समझ लो घरों में बैठा रहा और किसी भी जनता के परेशान शोषित आदरणीय प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का उल्लंघन करा था क्या? फिर आप बोले कोई भी इनका कार्यकर्ता विपक्ष का नेता आप देख नहीं सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं ने 2400 घंटे सेवा देने का काम किया। दूसरी चीज मैं ये बता दूं, ये और आपने एक सवाल किया कि इस समय कितनी बड़ी चुनौती होगी। देखिए गुजरात में पिछली बार इससे भी बड़ी चुनौती थी, तमाम लोग क्या से क्या दिखा रहे थे, लेकिन हमने एंटी इनकम्बेंसी और सत्ता में रहने की विपक्ष की तमाम धार कुंद करते हुए जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाए थे उन सबको निराधार करते हुए दोबारा सरकार में वापसी करने का काम किया। तो मैं हम गुजरात की जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर आशा करते हैं कि जनमत बीजेपी के साथ होगा गुजरात में, और ये हमें पूर्ण विश्वास भी है। ठीक है, देखिए झाजी मैं एक बार फिर से वही सवाल दोहराऊंगी आपके पास, क्योंकि पटेल समुदाय सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, पटेल समुदाय जो है निर्णायक भूमिका में रहता है। अब जब हार्दिक पटेल छोड़कर जा चुके हैं कांग्रेस को, प्रदेश अध्यक्ष बनाया था आपने उनको, अब कांग्रेस को छोड़कर वो जा चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष को छोड़कर वो पद छोड़कर वो जा चुके हैं, तो इसका खामियाजा तो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को, कहीं ना कहीं पटेल समुदाय तो टूटेगा ना। जी नहीं, सुना जाए, मैं बता रहा हूँ, भाई राजकुमार जी भी सुन रहे हैं, आम आदमी पार्टी से भी सुन रहे हैं, समझ गए। ये शब्दों का चयन ये लोग बहुत अच्छा करते हैं। राजकुमार जी का जो पार्टी है, खासतौर पर बीजेपी, और प्रधानमंत्री जो आज नरेंद्र मोदी जी हैं, जब वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे गुजरात के, तो उन्होंने गुजरात मॉडल का पूरे देश में उन्होंने धूम मचाया। आज भी उन्हें लोग प्रधानमंत्री कम प्रचार मंत्री ज्यादा समझते हैं, प्रचार में उन्हें मन लगता है माननीय को, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। प्रचार के बल पर इन्होंने प्रचार करना गलत नहीं है डीके झाजी, प्रचार कर करके बीजेपी यहाँ पहुँची, आप तो प्रचार भी नहीं कर रहे हैं। मैं आ रही हूँ यादव साहब, बात पूरी हो गई यादव साहब। जी जी जी, एक मिनट। प्रचार का जो होता है ना, कि प्रचार का एक सीमा होता है, प्रचार का एक लिमिटेशन होता है, लोग थोड़ा देर के लिए गुमराह हो जाते हैं, और वो थोड़ा देर का मतलब हो सकता है कि ये 5 साल 10 साल गुमराह हो जाएं, लेकिन लंबे समय तक लोग गुमराह नहीं रहेंगे, ऐसा देखा जाता है। हम लोग भी जनता के बीच में देखते हैं, जब वाजपेयी जी के समय में भी बहुत ज्यादा फिलगुड कराया गया था, साइनिंग इंडिया का नारा दिया गया था, ऑटोमेटिक 10 वर्ष के लिए केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी, दूसरी की सरकार बनी। कहना चाह रहे हैं आपका मतलब ये है कि गुजरात की जनता पिछले 25 सालों से गुमराह हुई है, पिछले 25 सालों से गुमराह हुई है, बिल्कुल गुमराह हुई है। सुनिए, ये लोग जो हैं, ये जो बोलते हैं कि इनको जनता ने चुना था, 70 साल में 60 साल कांग्रेस को लोगों ने चुना, ये वो ही जनता है, इसी देश की जनता है जो आज बात करते हैं। उनके माँ पिताजी भी कल कांग्रेस को वोट दिया करते थे, समझते हैं। पिछले बार ऐसा था चुनाव में कि हम लोग जीतते थोड़ा सा मतों से अंतर में हम लोग आ गए, इस बात को मानते हैं। हार्दिक पटेल हो या कोई पटेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पटेल समुदाय जो है वो हमारे साथ है। और दिक्कत तो यही है कि कांग्रेस को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है,
फर्क अगर पड़ता होता तो कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल कर रखती ना। सुना जाए, फर्क ही तो नहीं पड़ता है। जा साहब एक बात और सुनिए, आपने खुद ने ये बात कहा, अभी आपने खुद ने कहा कि 7 साल कांग्रेस को भी चुना था इसे जनता ने, और उसके बाद बीजेपी को भी चुना। अब कांग्रेस को चुना था उस समय कांग्रेस की लहर थी और कांग्रेस काम कर रही थी, लेकिन कोई ना कोई कांग्रेस में कमी रही होगी जब बीजेपी को चुना, और 25 सालों से बीजेपी ही है वहां पर। तो क्या सुनिए तो सही, तो क्या कांग्रेस को, कांग्रेस ने कभी मंथन करने की कोशिश की, कारण समझा कि क्यों कांग्रेस ने वहां से कांग्रेस को हटाया जनता ने? सुना जाए विचारधारा जो होती है ना, विचारधारा कभी पनपती है। इन लोगों ने जो 90 के बाद से विचारधारा मंडप का जो राज्य लेकर के आए, हमारे आडवाणी जी जो माननीय हुआ करते थे, उन्होंने बहुत जोर लगा करके इस चीज को जगाया कि कैसे देश में, देश को आपस में बांटा जाए। इन लोगों ने मिल करके उस बाबरी मस्जिद को गिराया, समझ गए। इस सब तरह से थोड़ा सा उन्माद बढ़ा देश में, उसका लाभ आज नरेंद्र मोदी जी उठा रहे हैं देश स्तर पर। लेकिन हम ही आप इस देश की जनता है जिसको कल को लगने लगा कि नहीं, ये हमें मुख्य मुद्दा से भटका करके हिंदू मुस्लिम दुनियादारी में लगाए हुए हैं, यही जनता फिर से चेत जाएगी। जनरेशन होता है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो किसी समय में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो उदंड होते हैं, और किसी समय में ऐसे बच्चे होते हैं कि उसी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आ जाते हैं। अब समय आ गया है कि इस सब में लोग भरोसा नहीं करेगा। 2024 के बाद ये साफ है मैदान कि पूरे देश में लोग इनको त्याग देंगे। और रह गई बात गुजरात में, तो गुजरात में जो थोड़ा सा अंतर से हटे थे, इस बार में गुजरात में कांग्रेस अपने आप आएगा। और ये भी बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, कांग्रेस को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इस बार गुजरात में कांग्रेस अपने आप आएगी। चलिए देखेंगे, अभी तक शुरुआत तो नहीं की है। जहां सर सुनिए, शुरुआत तो अभी तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ना प्रचार, ना कोई रैली, ना वहां पर जनता से कोई बातचीत, ना जनता के बीच आना। अब देखना होगा खुद किस तरीके से कांग्रेस अपने आप वहां पर आ जाती है। मैं लौटूंगा एक बार फिर से, आ रही हूँ वाजपेयी जी, मैं आ रही हूँ यादव साहब। Yes, ma'am. गुजरात में जिस तरीके से कांग्रेस ने तो ये दावा कर दिया कि कांग्रेस तो खुद ब खुद आ रही है चुनावों में, अब बीजेपी तो कांग्रेस को वैसे ही कोई चुनौती नहीं समझती है, तो क्या ये समझा जाए कि वहां पर मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच होगा? जब कांग्रेस ये बात कह रही है कि कांग्रेस खुद ब खुद आएगी, लोकतंत्र में बगैर कुछ करे आ जाएगी, तो निश्चित रूप से ये समझना चाहिए, तो स्वाभाविक सा हो गया कि भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में वहां मुकाबला होने जा रहा है। और वहां पर लोकबाग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, महिला सुरक्षा जैसे, दलित उत्पीड़न जैसे मामलों में लोग आम आदमी पार्टी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, और लोग हाथों हाथ आम आदमी पार्टी को ले रहे हैं। इसलिए लगातार भाजपा से, कांग्रेस से लोग निकल निकल कर आम आदमी पार्टी में भी आ रहे हैं, और अच्छे लोग जो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, गुजरात को एक अच्छा गुजरात बनाना चाहते हैं, बेहतर गुजरात बनाने की दिशा में काम करने के लिए वो आम आदमी पार्टी के संग आकर आने वाले दिनों में बड़े बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी इस बार चुनौती के रूप में भाजपा के सामने खड़ी होगी, और हमारे प्रत्येक नेता, पूरा काडर कोशिश करेगा पूरे गुजरात में लगे और गुजरात के परिवर्तन का प्रयास करेगा। ठीक है यादव साहब, गुजरात के परिवर्तन के प्रयास तो आम आदमी पार्टी भी कर रही है, अब चुनौती किसे मानते हैं आप? देखिए, विपक्ष में कोई भी चुनौती नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ। अभी दूसरी यादव जी मैं बीच में बात एक बार छोटा सा एक कहना चाहूंगा, आप मुझसे मेरे भाई के समान है। अभी आपने ही खुद कहा था थोड़ी देर पहले कि लोकतंत्र में घमंड किया था कांग्रेस ने, इसलिए चली गई। वही चीज आप मत दोहराओ, बाकी अब आप अपनी बात को पूरा करें। यादव जी देखिए, दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी भी कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे कि पटेलों का जन समर्थन हमारे साथ है। पटेलों का जन समर्थन तो आपने सबसे पहले उसी दिन खो दिया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को आपने किस तरीके से एक साजिश रच के प्रधानमंत्री पद से उनको हटाने का काम किया था, यानी कि बहुमत। ये कहां पढ़ा आपने? ये आपने कहां पढ़ा? अब जवाब
सर आप जवाब दे देना, सुन लीजिए, पटेल का सबसे बड़ा समर्थन आपने उसी दिन खोया था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल अगर देश के प्रधानमंत्री होते तो पता नहीं तस्वीर क्या होती। पहली चीज तो ये कि पटेलों के साथ आपने भी अन्याय किया है, तो पटेलों का जन समर्थन पाने का जो आप दावा करते हैं वो निराधार एवं गलत है। क्योंकि यादव साहब मैं लौटूंगे एक बार फिर से आपके पास, आपकी बात पूरी सुनूंगे, चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। यादव साहब आप अपनी बात पूरी करें। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने आरोप लगाया था, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है, आप देख रहे हो, और कांग्रेस प्रदेश के अंदर विलुप्ति की ओर है, उसका जनाधार बिल्कुल शून्य हो चुका है, और जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी सरकार में है या थी उनको खोती जा रही है। तो ऐसी नाप पर कोई सवार होने का पहली बात तो कोई काम करे, डूबती नाप पर सवार होने के लिए कौन आएगा, और इनके तमाम साथी ये इसी वजह से इनकी नीतियों को देखते हुए इन्हें छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह अपनी जगह बना रहे, ये इनके लिए सोचने का विषय है। और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाने का काम करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर और पूर्वोत्तर राज्यों में अगर सुरक्षा और शिक्षा और स्वास्थ्य और जनता के हितों के लिए अगर कार्य नहीं करते, तो उन राज्यों में सरकार नहीं बनती जिनमें भारतीय जनता पार्टी आज तक थी नहीं, और यही लोग सरकार में थे, लेकिन उन्होंने इसका बेमतलब इतना बड़ा फायदा उठाया कि जनता ने उनको प्रदेश से बाहर तो किया ही, बल्कि इनके संगठन को भी विलुप्त करने का काम किया। ठीक है, डीके झा जी, आज भी जो सरदार पटेल का विलाप करते हैं, सरदार पटेल गृह मंत्री थे और उन्होंने उस समय भी आरएसएस पर बैन लगाया था, समझ गए। ये लोग गुमराह करते हैं जनता को कि पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बना करके इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, या नेहरू परिवार को कोसते हैं। और आज यदि देश एक विकास के सीमा पर पहुंचा है तो उसमें नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है, जिसको ये लोग गाली देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को उससे कोई बहुत परेशानी नहीं हो रही है। आने वाले समय में इसी जनता के आपको परेशानी होनी चाहिए। एक कोई भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री को गाली देगा, आप क्या कह रहे हैं, आपको परेशानी नहीं हो रही है? ना ना, क्या एक मिनट सुनिए, सड़क पर चलने पर लोग गाली देते हैं जिनका जो प्रवृत्ति है, समझ गए। भाषा ये बहुत अच्छा गढ़ते हैं, शब्द का बहुत अच्छा चयन करते हैं, लेकिन गाली देते हैं। गाली देना इनका स्वभाव है,
इनका शिक्षा है, ये अपने शिक्षा पर टिके हुए हैं, हम क्यों उसको जवाब देते चलेंगे? नेहरू जी क्या थे? नेहरू जी के टायर के धूल के बराबर बहुत आदमी नहीं है, लेकिन वो गाली देते हैं ना नेहरू जी को, दे हम उसके लिए क्या हर एक आदमी से झंझट या गाली का थोड़ी करते चलेंगे। एक चीज मैं बता रहा हूँ कि देश की जनता जो है, जनता जो ऑटोमेटिक एक स्टेज पर आएगी, शिक्षित होगी, समझेगी, सही उसको इतिहास का पता चलेगा, तो ऑटोमेटिक इनको डकार करके बाहर कर देगा। जिन्हें भूत के मतलब हम लोग निकाल करके बाहर कर देते हैं, कोई भी निकाल करके बाहर कर देगा। ये प्रचार प्रसार करते हैं। आज आप जो मुद्दा है देश में है कि सबसे ज्यादा जो हम बार बार जोर देते हैं बेरोजगारी की मुद्दा है, दिन भर में हम सैकड़ों स्टूडेंट का कैंडिडेट का इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, देखते हैं कि बच्चे जो है सदा निराश होकर के चल रहे हैं कि हमें कहीं कोई 2,000-10,000 की कोई 5,000 की नौकरी नहीं मिल पा रही है। देश में एक समय था कि जिस बोकारो स्टील में उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट जैसा सेल जैसा कंपनी का निर्माण किया, 50,000 आदमी नौकरी करते थे, इस चीज की बात करते हैं। बल्लभबाजी से कितना दिन आप सरकार चला लेंगे? तो समझ चुकी है और जनता ने अपना निर्णय भी आपको दे दिया है। कोई दिक्कत नहीं, हम कहाँ स्वागत करते हैं जनता के निर्णय का, हम स्वागत करते हैं। सरकार ने अभी सीबीआई की रेड पड़ी थी, सबको पता है, बिहार में आपकी सरकार में यूपीए की में गठबंधन में रेल मंत्री थे लालू जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम करने का काम किया। आप एक लालू लालू जी का एग्जाम्पल आपके बहुत ऐसे बड़े, अरे भाई सुनिए सुनिए आपके समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, इसलिए जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने जब कहा है तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने अब इतने बड़े कारनामे कर दिए हैं कि उनके गड्ढे घरते घरते भरते भरते सर जी यानी समापन की ओर है। सर जी एक चीज सुन लिया जाए आपको, हम भी इस मंच से ये चीज बोल रहे हैं कि आज तक भारत के प्राइम मिनिस्टर को जेल नहीं हुआ है, समझ गए, फांसी नहीं पड़ी है, हो सकता है आने वाले समय में उस तरह की घटनाएं इस देश में हो, कुछ भी हो सकता है आने वाले समय। सरकार की सोच है कि आप ना, ये नहीं आप ये एक मिनट, यदि वो चीफ मिनिस्टर को सुनिए सुनिए वो चीफ मिनिस्टर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आप लोग अभी सवाल कर रहे थे आपकी कितनी बड़ी सोच है किसी सर जी, मैंने कहा कि लालू यादव आप ये प्रोपगेंडा रच रहे हैं और इस प्रोपगेंडा कुछ भी हो सकता है, सरकार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, न लाने वाली है और मैं विश्वास दिलाता हूँ न लाएगी, क्योंकि आप लोगों की जो मानसिक स्थिति है, जो प्रोपगेंडा है, यही करते आए हैं। सुनिए सुनिए जाने का सारी तरफ के ही काम किया है तो आप गुजरात की जनता इसका इसी चुनाव में जवाब देगी, ये आप तय कर लो। कुछ भी हो सकता है यदि इस तरह की राजनीति चलती रही, समझ गए, चलिए ठीक है, ये एक हिसाब से प्रतियोगिता है और इस प्रतियोगिता में कब कौन जीतेगा कब कौन हारेगा, आपके पास बड़ी यादव साहब और डी के झा जी आ रही हूँ आपके पास, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री जी पर ना कोई आरोप है, मैं आपसे प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, सुन लीजिए, हमारी सरकार चल रही है ना कोई घोटाले का आरोप है, और उससे पहले ही हमारे ये कांग्रेस वाले जो साथीगण है वो पहले से एक योजना के तहत एक संयोजन के तहत ठीक है यादव साहब, यादव साहब देखिए जा रही ठीक है, आ रही हूँ आप दोनों के पास एक बार फिर से आ रही हूँ, आ रही यादव साहब आ रही हूँ, वाजपेयी जी अपनी बात रखो, मिलने वाला है आप जाओ वहाँ से नीचे जाने वाले हो, ये मैं पूरे तरीके से विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लोग देश से बाहर चले गए और माननीय प्रधानमंत्री जी हाथ पे हाथ धर के तसल्ली से बैठे रहे, सरकार ने बनाने का काम किया, इनको कर्जा दिलवाने का काम किया और इनको पूरी साजिश के तहत जिस तरीके से ठीक है यादव साहब जी की आवाज मिल पा रही है आपको, जितना गलत काम किया सब कांग्रेस ने किया, आप बस ले जाके बाहर छोड़ आते हैं, आप चार्टर में नीरव मोदी को संग लेकर जाते हैं, कहां से जब आप इनको बढ़ावा देने का काम कर रहे थे, इनका सहयोग कर रहे थे, इनको आप अरे कोई रूप से सहयोग दे रहे थे, तब आप कहां से और आपके बता दीजिए आप कह रहे थे गुजरात के अभी चुनाव फूलों को देखिए
गुजरात में गुजरात के मुख्यमंत्री लग्जरी प्लेन खरीद के घूमने की तैयारी कर। अरे दिल्ली को ही देख लीजिए, राजस्व का कितना बड़ा नुकसान है। दिल्ली के चुनाव नहीं हो रहे, राजस्व का कितना बड़ा नुकसान है। दिल्ली में आप घूमने कराते हो, दिख रहा है नहीं? आप देखिए, आप तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, तुष्टिकरण की राजनीति करते हो और किसी व्यक्ति विशेष को इतना बड़ा बढ़ावा देते हो, जहाँ वहाँ की जनता के लिए जीवन जीना बेहाल हो जाए। आप देखिए, अरे गुजरात में भी तो कड़ी पारी की सजा हुई थी। अरे आपके माननीय विधायक ताहिर उल्लाह खान जी ने किस प्रकार पुष्टिकरण की राजनीति करने का काम किया और आपने उन्हें सहयोग करने का काम किया, उनके खतों से, उनके घरों से किस प्रकार आप देखिए हथियार और अवैधानिक रूप से मीडिया के खिलाफ उनके साथ पकड़े गए काम करते हो। आपको दिल्ली की जनता माफ करने वाली नहीं है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ। आप गलतफहमी में हो, आपको इस चीज का अहंकार हो चुका है। गरीबों को छुपाने के लिए दीवारें खड़ी करते हो, विज्ञापन दिखाते हो, अरे स्कूल दिखाने के लिए वही जो स्कूल की बात करते हैं। आरोप प्रत्यारोप आप कितने भी लगाइए, लेकिन देश की जनता जानती है कि आप किस प्रकार की पुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। राजकुमार जी, स्कूल मिला था राजकुमार जी, आप उसको अपने ऊपर नहीं लीजिए। सुनिए राजकुमार जी, परेशान मत होइए, क्योंकि आप परेशान हम नहीं, आप लोग हैं परेशानी। आपके चेहरे पर झलक रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के चुनाव में आपकी तो जमानत नहीं होती और दो सीटें से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिली, आपने ये देखा। और संजय सिंह ने, आपके जो प्रभारी थे, पूरी वहां पर मेहनत की और पूरा जोर लगा दिया, लेकिन आपकी जमानतें जब्त हो गई, आपको ये पता है और आप इसको स्वीकार करने का काम नहीं कर रहे। चलिए ठीक है, ठीक है यार, सब सुन लीजिए। पहली बार में नहीं, आप सुन लीजिए, पहले भी लोकसभा चुनाव में आए थे, ठीक है यादव साहब? राजकुमार यादव जी, आ रही हूँ मैं आपके पास एक बार फिर से, जरा शांत होकर उन्हें सुन लीजिए आप एक बार उनके पास सुन लीजिए। मैं आ रही हूँ एक बार फिर से। वाजपेयी जी, उसी प्रकार से हमारी जस्ट हो गई, जैसे आपकी पंजाब में हो गई, जैसे आपकी दिल्ली में हो गई, है ना, उसी प्रकार से जैसे अब सूरत में नगर निगम के चुनाव में बौखलाए हुए हैं, मालूम है विपक्षी दल के रूप में है, आपको पता ही होगा। सबसे बड़े विपक्षी दल, कितना बड़ा विपक्षी दल है वो पता है ना लोगों को, तभी तो वहां पे नगर निगम के चुनाव कराने के लिए नगर निगम को गुलमुल करते हुए और आपको दिल्ली को उखाड़ने का काम हम ही करेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। इसी प्रकार से हम आपको गुजरात से हराने का काम कर रहे हैं, आप बौखला गए हो, थोड़ा सा परेशान हो गए, वहाँ स्कूल नहीं है, जनता पर विश्वास और दिए गए नामों पर भरोसे की बात है, ये बात नहीं है। बहुत है वहाँ पर रोजगार नहीं बचा, वहाँ पर प्रवासी मजदूरों को भगा देते हैं, वहाँ पर उपयोग करने के लिए अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को यहाँ से देश का पैसा लूट कर विदेश छोड़कर आने में काम करते हैं, सहयोग करते हैं। नीरव मोदी पीछे खड़ा था प्रधानमंत्री के, आपने फोटो में देखा मैं, है ना, विजय माल्या से आपके एक माननीय सांसद और पूर्व, अब वो क्योंकि दुनिया में नहीं, उनका नाम नहीं बोल रहा हूं, उनके संग बातचीत हुई थी सदन में खड़े होकर, है ना, संसद भवन के अंदर, और उसके अगले दिन वो गायब हो गए और आज तक आप एक भी व्यक्ति को वापस नहीं ला पाए। इधर उधर की बातें करते हैं आप, परपंच पूरा करते हैं आप। मैं कह तो रहा हूं शुरू से, आपके पास विज्ञापन की बहुत ताकत है, विज्ञापन कर सकते हैं, आपके पास मैनेजमेंट बहुत बड़ा है। आपने 25 साल गुजरात में अगर लोगों को बरगला लिया तो क्या हमेशा बरगलाते रहेंगे? लोगों को काम देखना चाहिए ना, इसीलिए काम नहीं दिखा तो सूरत में सूरत बदल गई, अब शुरुआत हुई है तो बौखला रहे हैं, बौखलाइए, थोड़ा सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आपका अधिकार है बौखलाना, बौखलाएंगे भी नहीं तो काम कैसे चलेगा? आप अपनी ही चीजों को गलत और सही अभी तो बोलेंगे, अभी तो काम भी बोलेंगे। गुजरात में एक आखिरी कमेंट और मैडम, गुजरात में स्कूल देखने मनीष सिसोदिया जी जाते हैं तो उनको रोक लिया जाता है, गुजरात का स्कूल नहीं दिखाते, क्यों? ऐसा क्या चल रहा है गुजरात के स्कूल में? ठीक है, पूछ लेते हैं राजकुमार यादव। एक मैं इनकी बात का जवाब देता हूं। नीरव मोदी, विजय माल्या, आपने कहा आप किसी को नहीं ला पा रहे,
मैं बताना चाहता हूं कि ये दोनों देशों की विदेश नीति के अंतर्गत पितृपक्ष संधि होती है और वहां की भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, उसके तहत संवैधानिक कार्य प्रणाली के तहत संपर्क में है और जल्दी प्रतिक्रण के माध्यम से चाहे नीरव मोदी हो चाहे विजय माल्या है, सुनिए एक मिनट आप सुनिए, कोई भी सही जो देश का द्रोही है, जो देश के कानूनों के अंतर्गत अपराध करता है, किसी को भी नहीं बचता जाएगा और उनको लाने के बाद हो रहा है और वो समय जल्द आने वाला है जब देश के कानून देश का संविधान उन्हें सजा देगा और वो सलाखों एक आप मेरी बात सुनने का काम कर दिया, पहले आप मेरी बात सुनिए क्योंकि मैंने बीच में आपकी बात सुनने का काम किया था। देखिए पहले मेरी बात सुनिए, देश का संविधान देश का कानून उन्हें सजा देगा और यह हम आपसे बात करते हैं कि माननीय मोदी जी की केंद्र की सरकार उनको वापस लेने का काम करेगी, थोड़ा इंतजार करिए। पहली चीज तो ये मैं प्रकट कर दूं, दूसरी चीज मैं आपको आप भी बोल लीजिए, आपका भी साथ में सब जवाब दे दूंगा, आप भी बताइए क्या कहना चाहते हैं। राजकुमार जी जब आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे ना, 15 लाख का भी वादा किया था। हेलो वादा जैसा बोलिए, हाँ जब आप वोट परसेंटेज की बात कर रहे थे तो यदि पिछले 2019 के चुनाव में 18 करोड़ के आसपास यदि बीजेपी ने वोट लाया है तो 11 करोड़ वोट पूरे देश में कांग्रेस को आया है। जब परसेंटेज की बात करते हैं इसका मतलब है कि 11 करोड़ लोग जो वोट देने वाले हैं वो कांग्रेस को आज भी चाहते हैं, समझ गए। इसलिए मानते हैं हम कि हमारी जिन त्रुटियों के कारण कुछ प्रदेशों में हम लोग नहीं है आने वाले समय में, और खासतौर पर पिछले वर्ष भी यदि आप गुजरात का विश्लेषण करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि हम आपसे बहुत कम अंतर से ही टाइप थे। इसलिए गुजरात को इस बार आप भूल जाइए, गुजरात की जनता स्वस्थ है, वो इस बार कांग्रेस के साथ आ रही है। रही बात देश में, तो देश में जब आपने कहा है कि आप शौक से भाई को लाना चाहते हैं, आप नीरव मोदी जी को लाना चाहते हैं, तो ये अच्छी बात है और जनता देखना चाहती है कि क्या आप अपने बात पर सही उतरते हैं या नहीं, हम लोग भी देखना चाहेंगे। यदि उतरते हैं तो इसी मंच पर उस दिन हम लोग फूल माला के साथ आपका स्वागत करेंगे, जिस दिन मेहुल चौक से हो, नीरव मोदी हो या आजम भगौड़े जो है, खासतौर पर जो गुजराती भगौड़े हैं, वो जब देश में वापस आएगा हम आपको माला लेकर स्वागत करेंगे। धन्यवाद। चलिए यादव सर, 8 साल से नहीं आ पाए, आपको एक संवैधानिक प्रक्रिया पर, एक संवैधानिक सरकार पर अगर कॉन्फिडेंस है तब भी भला और नहीं है तब भी भला, क्योंकि आप लोग विपक्ष में बैठे और विपक्ष का काम जनता को बरगलाना है, पहली चीज तो ये मैं क्लियर कर दूं। नहीं नहीं जनता को सही बताना है, लोकतंत्र को व्यवस्थित करना, लोकतंत्र को बचाना, विपक्ष भूल रहे हैं कहीं कहीं, आप अपना काम करिए, आपका अपना काम है, लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं यादव साहब विपक्ष पर आप कह रहे हैं कि विपक्ष का काम बरगलाना है, लेकिन एक समय था जब बीजेपी विपक्ष में थी, यानी वाजपेयी जी एक समय था जब बीजेपी खुद विपक्ष थी, आज भी कई राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है, तो ये समझ ले कि बीजेपी भी बरगला रही है तमाम लोगों को, जनता को विपक्ष में रहकर देखिए भारतीय जनता पार्टी जहाँ विपक्ष में है वहाँ सही नीतियों के वहाँ सही नीतियों के साथ है, और जब आप गलत नीतियों के साथ देश की जनता को सरकार देने का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में तान कर खड़े हैं और आपकी नीतियों का विरोध करेगी और जनता को सही शासन सही न्याय दिलवाने का काम करेगी, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और आज भी थे कल भी थे और कल भी रहेंगे। ठीक है माल्या और मोदी पर बोल दीजिए जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे है ही नहीं सर, सुन लेते हैं झा साहब एक सब करके आए तो राजकुमार जी
मेल जॉब थी और एक कम से कम 22-25 लोगों की सूची है और ज्यादातर सारे के सारे गुजरात के। यादव साहब आवाज मिल पा रही है? चलिए हम लोग उम्मीद रखते हैं कि 2024 के इलेक्शन से पहले मेहुल चौकसे और नीरव मोदी और विजय माल्या जरूर आ जाएंगे भारत में। अरे क्यों कहते हैं ये बात भी, आज तक क्यों नहीं आए? विजय माल्या अब आ जाएंगे, 2 साल में आ जाएंगे। आज तक काम कर नहीं पाए, मैं कह तो रहा केवल फोटो खिंचवाना। और आपने चाहे बैंक लुटवाने का काम हो, चाहे उनको जमीन हटाने का काम हो, इसी पीएनबी और एसबीआई का अभी अभी कुछ बैंक लुटा है, यस बैंक में भी घोटाला हुआ है। आपसे बेहतर कौन जानता है? ये मोदी जी के कार्यकाल में हुआ, एसबीआई पीएनबी और यस बैंक का घोटाला। देश जानता है कि आप क्या कर रहे हैं, देश जानता है रुपए की कीमत कैसे गिर गई, देश जानता है महंगाई क्यों हो रही है, देश जानता है कि बांटने का काम कौन करता है, देश जानता है दंगा करने का काम कौन करता है, देश जानता है कि बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार 2 करोड़ रोजगार देंगे, कितने रोजगार दे पाए। लोगों को कहते हैं पकौड़ा बनाओ, नाले गटर से बैठ के गटर से गैस निकालने का यंत्र विज्ञान भवन में बताते हैं, ये तरीका क्यों नहीं याद करके सबको महाराज। अरे ये काम है, अच्छा ये बता दो मुझे, ये बता, अरे अरे वैज्ञानिक होंगे अद्भुत चमत्कार, ये मुझे बता दो, मुझे ये बताओ कि गटर से गैस कैसे बनाकर उन्होंने चाय बनाती। अरे अद्भुत चमत्कारी देवता, ये तो बताओ। देश की जनता जब आपको नकार रही है, देश के अंदर पंजाब के खिलाफ, महाराष्ट्र में तुमको नकार दिया, महाराष्ट्र में सबसे बड़े जनमत वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल उन्होंने नकार दिया, दिल्ली में नकार दिया, पश्चिम बंगाल में नकार दिया, क्या ये आपसे बेहतर कौन जानता है? नकार दिया पश्चिम बंगाल के लिए, कुछ उल्टा बोलो, शुरू तो हो महाराष्ट्र की जनता जो दे रही है और देने वाली है, ये आप बखूबी जानते हैं। और सत्ता की के लिए बोलो ना थोड़ा सा कुछ, पश्चिम बंगाल ठीक है यादव साहब, आज पे पश्चिम बंगाल में आपके पास एक से जिस पश्चिम बंगाल में हमारा संगठन आ रहे हैं, ठीक है डीके जाजी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं यादव साहब। डीके जाजी मैं आ रही हूँ, वाजपेयी जी, कपिल वाजपेयी जी, राजकुमार यादव जी आ रही हूँ आप दोनों के पास। भाई कुमार जी तो वो आदमी छूटेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, कहीं भी नहीं थी, कहाँ से कहाँ पहुँचती, तो ये तो हमारे लिए वहाँ गर्व की बात है कि हम सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरे और आने वाले समय में सरकार का लेवल क्या हो गया। ठीक है वाजपेयी जी, एक सेकंड रुकेगा वाजपेयी जी, यादव साहब, यादव साहब सुनिए, यादव साहब सवाल का जवाब दे दीजिए, जो सवाल आपसे पूछा वो दे दीजिए जवाब एक बार, उस पर जरूर बताइएगा। ज्यादातर जो भगोड़े हैं वो गुजरात से हैं, ये कह रहे हैं डीके साहब, और ये तो हमने देखा भी है। अब चाहे वो विजय माल्या हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो मेहुल चौकसी हो, कब तक आएंगे वापस देश? ठीक है ठीक है, एक बार सुन लेते हैं कब तक आएंगे और अभी तक क्यों नहीं आए, इस पर जवाब दीजिएगा। उग्रवादी हो और देश संपूर्ण राष्ट्र एक है, इनको आप बांटने का काम नहीं करिए, जैसे आपने लोगों ने जातिवाद में आप कहाँ जातिवाद पर ले, कहाँ जातिवाद लेकर बैठ गए यादव साहब, जातिवाद कहाँ लेकर बैठ गए, आपसे सवाल जो पूछे उसका जवाब देना। मैं जवाब दे रहा हूँ ना कि आप देश को बांटने का काम ना करिए, कि वो वहां से संपूर्ण राष्ट्र एक है और राष्ट्र इसमें देश को बांटने वाली बात कहाँ से आई यादव साहब, देश को बांटने वाली बात कहाँ से आई इसमें? इतने इतने देश से इतने इतने घोटाले करके अगर विदेशों में जाकर बैठ जाएंगे तो उन्हें लाने का काम तो सरकार का है। उसके अपराध की सजा मिलेगी, उसको उसके अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है चलिए, मेरे पास समय भी कमी है, समय की कमी है, ठीक है यादव साहब, यादव साहब ठीक है, समय की कमी है मेरे पास यादव साहब, समय की कमी है, आखिरी 30 सेकंड बचे मेरे पास वाजपेयी जी, जल्दी से बताइएगा जी। मैडम एक जानकारी देना चाहूंगा, मैं आ रही हूँ, इस साल बड़ी छलांग लगाई, पूरे दिन मेहनत करी, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट शून्य आया, तो वो शेर और जंगल वाली कहानी है, उसमें बंदर वाली स्थिति कि हमने काम बहुत किया, हम ला रहे हैं, एक आदमी आया नहीं बल्कि देश का पैसा लगातार
देखिए आप कहीं भी देश का पैसा, देश के रुपए को आपने कमजोर कर दिया, ना गुजरात ना देश के पर बेरोजगारी के लिए ठीक है। समय की कमी है, समय की कमी वाजपेयी जी, प्लीज रिक्वेस्ट रहेगी आपसे। यादव साहब रुकिए जरा, पंजाब साहब आखिरी कमेंट अपना 30 सेकंड में रखिएगा जल्दी से। जी आखिरी कमेंट एक चीज सुन लिया जाए कि इन्होंने जो कहा है ये नीरव मोदी मेहुल चौकसी, इस सबको भी हम लोग एक गुजरात मॉडल ही मान लेते हैं। इस गुजरात मॉडल की चर्चा बहुत पहले थी, कब मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने गुजरात मॉडल उठाया। ये भी एक गुजरात मॉडल ही है कि जो आदमी बैंक से पैसा लेकर के भाग जाए वो भी एक गुजरात मॉडल का ही भाग है, हिस्सा है। ठीक है, चलिए समय की कमी मेरे पास है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से गुजरात में अभी इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनावों के लिए सरगर्मी अभी से बढ़ गई है। विपक्ष कई अहम मुद्दे उठा रखा है जिसको लेकर इस बार सरकार को साधने की कोशिश होगी, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं देश के भगोड़े हैं जो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं गुजरात से आते हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष किस तरीके से इन मुद्दों को साध पाएगा और आम आदमी पार्टी जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है वो किस तरीके का प्रदर्शन इस बार गुजरात में करेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही, तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एनबी न्यूज़। नमस्कार।